क्यों तोड़ दिया ट्रक? लो लगा दिया, आ जाओ ये देखो जोड़ दिया। हाँ? हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है शाम को 7:45 और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, थोड़ा देर से आएंगे। खाना मैंने बना लिया, खाना मतलब सब्ज़ी मैंने बना ली है, आलू गोभी मटर की। रोटियां सेकनी हैं तो रोटियां जब ये आएंगी तब सेकूंगी, और इसको फिर से पता नहीं क्या हो गया। और मैं सोच रही हूँ तब तक ना मैं अपनी अलमारी साफ़ कर लेती हूँ। कल मैंने आयान की अलमारी साफ़ कर दी थी, बस मेरी रह गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था तो इस वजह से। बाकी आपको ना अपनी अलमारी की हालत दिखाती हूँ, इतनी गंदी तरीके से भरी पड़ी है ना, ये देखिए ये देखिए। तो सोच रही हूँ आज अपने सारे, नीचे वाला सेट कर दिया मैंने पोर्शन, बस ये रह गया तो इसको अभी मैं सेट करूँगी। होता है ना फिर कहीं जाना होता है ना तो कपड़े नहीं मिलते हैं। अयानू शूज़ लेके कहाँ जा रहे हो? शूज़ शूज़। और इधर मैंने बना ली है गोभी आलू की सब्जी ये। हाँ क्या डैडी टूट गया? कोई बात नहीं, टूट जाने तो इसको निकाल दो। अलमारी मैंने लगा दी है, लगाने के बाद भी पता है ऐसा लग रहा है कि कुछ लगा नहीं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी सब कुछ ठीक से तय करके लगा दिए, और ये सारे हैंगर लेके रूम में आ गया, सारे हैंगर लेके आ गया, अपने सारे शूज़ इधर उधर डाल दिए। तो बस मैं वेट कर रही हूँ इनका ही आ जाए, तो फिर मैं रोटी बनाऊँ।
बाकी और मुझे कुछ नहीं करना है, सारा काम निपट गया, बस रोटी बनाने की सोच रही हूँ, खाना खा लूँ। आज से मतलब कल से ना मैंने थोड़ा सा ना खाना खाने के बाद भी वॉक करना स्टार्ट किया है। हल्दी वाला दूध मैं ठंडी ठंडी ज़रूर पीती हूँ, मतलब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना तो जो कच्ची हल्दी होती है ना उसको आधे कप दूध में उबाल के क्या पीती हूँ, फिर उसके बाद वॉक। क्या बेटा क्या खोलूँ, चलो अच्छा खोलती हूँ। ये हैंगर से मोटरसाइकिल बन रही है। अयन पापा जी को कॉल करो, पूछो पापा जी वेयर आर यू। बाय 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 बाय। ओके बॉयज आई बी बी आवेस कॉल पूछ सकी आई क्या हुआ, क्या हुआ, काट लिया टैडी ने, टैडी ने काट लिया अयान के दोनों टैडी। क्यों मार रहे हो अयान, क्यों मार रहे हो, ये क्या किया है, ये क्या पीके बने, पीके पीके बन गए हो अयानु, आज से तुम्हारा नाम पीके, पीके अयान। पीके अयान और ये कपड़े वपड़े और फाड़ लो और लगोगे, स्टिकर तो चिपका ही लिया, हैंगर भी टांग लिए, रेडियो दे रेडियो रेडियो और लटका लो, पैंट उतार दो रेडियो लटका लो। और स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, गुड। खाना वाना हो गया और टाइम हो गया रात का 10, और ये गए थे विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी वो लेके आए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। और सबसे पहले तो ये है मेरी अल्ट्रा लाइट जैकेट जो एक पाउच के अंदर आ गई है, ये बहुत अच्छी है, पता है बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये देखिए छोटी सी जगह में भी आप रख सकते हो, तो आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत लाइट वेट है लेकिन बहुत ही गर्म बहुत करती है, ये देखिए इतनी बड़ी जैकेट इतने से पाउच पे आ गई, ये इतनी हल्की है इतनी लाइट वेट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना है, लेकिन ये ना गर्माती भी बहुत है, आपको पहन के दिखाती हूँ। एक जैकेट मैं उस दिन लेके आई थी, एक जैकेट मैंने, ये मतलब बहुत लाइट वेट है, पहनने में बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा कि आपने मोटे मोटे कुछ कपड़े पहने हुए। बहुत हल्की है तो मेरे लिए ये जैकेट सबसे अच्छी बात है, इसकी क्या है ये छोटी सी जगह में भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा जैसे मोटे मोटे कपड़े जो सारे विंटर्स के कपड़े होते हैं ना अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, बट ये वैसी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। तो ये जैकेट मेरे लिए हो गई, और अयान के लिए नाइट वेयर मंगवाया था, तो अयान के लिए नाइट वेयर में एक ये है, साथ में दो पजामे, ये दो पजामे अयान के, एक ये एंड एक ये, तो ये अयान का हो गया नाइट वेयर। साथ में कुछ पोहा खत्म हो गया था तो पोहा मंगवाया था, तो ये पोहा है, ये पोहा है, एंड एक के जी बेसन, साथ में एक के जी सूजी, तो ये इतनी सारी चीज़ें मंगाई हैं, बट मेन थी मेरी जैकेट जो आ गई है,
और चलिए जी अब जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन धोऊंगी, साथ में अपना हल्दी वाला दूध बनाऊंगी। अयाना भी नहीं सो रहा है, अयाना अपने पापा के साथ दूसरे वाले रूम में है। तो ये सब काम निपटाने के बाद अयान को सुलाऊंगी, और क्योंकि कल अयान का स्कूल है, आज अयान की छुट्टी थी और कल अयान को स्कूल जाना है। और इसी के साथ इस वीडियो को भी अब मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर कहीं भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।